बॉलीवुड फिल्म मैदान और बड़े मियां छोटे मियां की बॉक्स ऑफिस पर फर्म बेहद निराशजनक रही। हालांकि तीसरे वीकेंड पर दोनों फिल्मों की कमाई में तेजी आई है। दोस्तों, इस साल की ईद पर सिनेमाघरों में बॉलीवुड के दो सुपरस्टार की फिल्में अजय देवगन की मैदान और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन यह फिल्म दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी और कमाई के मामले में पिछड़ गई। हालांकि रिलीज के तीसरे वीकेंड पर मैदान की कमाई में तेजी आई है, वहीं बड़े मियां छोटे मियां का कलेक्शन भी बढ़ा है। चलिए जानते हैं दोनों फिल्मों ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का रिलीज से पहले खूब प्रमोशन किया गया था। ट्रेलर में फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की झलक भरने फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंचा दी थी। हालांकि रिलीज के बाद बड़े मियां छोटे मियां की बॉक्स ऑफिस पर हवा निकल गई और इसे दर्शकों ने नकार दिया। 300 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी यह फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद भी आधी लागत नहीं निकाल पाई है। दोस्तों, बड़े मियां छोटे मियां की कमाई की बात करें तो फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 49.9 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 8.6 करोड़ रहा। वहीं अब यह फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुके हैं, जहां बड़े मियां छोटे मियां ने रिलीज के थर्ड फ्राइडे 40 लाख कमाई थी। तो वहीं तीसरे शनिवार फिल्म ने 65 लाख का कलेक्शन किया। वहीं अब इस फिल्म के रिलीज के तीसरे संडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां ने रिलीज के 18वें दिन 1.10 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ बड़े मियां छोटे मियां के 18 दिनों की कुल कमाई अब 60.65 करोड़ रुपया हो गई है। बड़े मियां छोटे मियां के मुकाबले मैदान को क्रिएटिक्स और ऑडियंस से काफी अच्छा रिव्यू मिला। फिल्म में अजय देवगन की दमदार एक्टिंग और इसकी इंस्पायरिंग कहानी की खूब तारीफ हुई। हालांकि यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शक नहीं खींच पाई। 100 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी मैदान रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और यह 50 करोड़ की कमाई नहीं कर पाई है। हालांकि तीसरे वीकेंड पर मैदान की कमाई में तेजी देखने को मिली थी। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो मैदान ने रिलीज के पहले हफ्ते में 28.35 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 10.25 करोड़ रुपया रही। वहीं अब यह फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और थर्ड फ्राइडे को फिल्म ने 75 लाख का कलेक्शन किया। दोस्तों, इसके बाद तीसरे शनिवार मैदान की कमाई में 100% की तेजी आई और इसने 1.5 करोड़ कमाए। वहीं अब फिल्म के रिलीज के तीसरे संडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैदान ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे संडे को 1.90 करोड़ का कारोबार किया है। इसी के साथ मैदान की 18 दिनों की कुल कमाई अब 42.75 करोड़ रुपया हो गई है। रिलीज के तीसरे वीकेंड में भले ही अमित शर्मा के डायरेक्शन में मैदान और अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी बड़े मियां छोटे मियां की कमाई में तेजी आई हो, लेकिन यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद कम कलेक्शन कर पाई है। दोनों फिल्मों की कमाई को देखते हुए यह साल 2024 की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।